चरखी दादरी पुलिस द्वारा करीब 2 महीने पहले फर्जी एनकाउंटर करने के मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा जहां पुलिस पर 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया, वहीं फिर से FIR दर्ज करवाने सहित ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर रात भर परिजन लघु सचिवालय में धरने पर बैठे रहे। आज सुबह भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और धरने दे रहे लोगों को जबरदस्ती उठा लिया। इस दौरान जहां धरनारत लोगों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई, वहीं महिलाओं ने पुलिस पर जबरदस्ती कपड़े फाड़ने के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस द्वारा उठाए धरनारत लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर फिर से धरना शुरू कर दिया है और ठोस कार्रवाई होने तक आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है। देखिए, ये जो फर्जी मुठभेड़ और है ना, 10 लाख की जो रकम ऐठ ली, गोलियां भी चला दी पिलाना गांव के एक बच्चे पे, और फर्जी मुठभेड़ भी दिखा दी और 10 लाख रुपये भी ऐठ लिए। तो हम 2-3 दिन से है ना SP साहब से भी मिले थे, उन्होंने चलो 2 आदमियों को सस्पेंड किया है कल। तो हम कल से धरने पे बैठे थे दादरी, रात को भी बैठ गए थे। हम बड़ा पीसफुली हम धरना कर रहे थे, ना कोई शोर शराबा, ना कोई नाराजबाजी। संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपनी ना हड़ताल या मांग या ये है ना प्रदर्शन, ये संवैधानिक अधिकार है हमारे, पूरे देश में होते हैं ये। तो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बड़े बड़े बूढ़े लोग बैठे थे कि भाई पुलिस वालों ने गोलियां चला रखी हैं निहत्थे आदमी पे, 10 लाख रुपये ऐठ रखे हैं, आप उनकी FIR लॉज करो। जितनी त्वरित कार्रवाई आपने कुलदीप पे की थी, उतनी त्वरित कार्रवाई आप ना उन अपराधियों पे करो जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने 10 लाख रुपये ऐठे हैं। FIR लॉज तो कम से कम तुरंत ही होनी चाहिए थी, उनको अंदर करना चाहिए था, 10 लाख की रिकवरी करनी चाहिए थी। हम इस मांग के लिए बड़े शांतिपूर्वक ढंग से सारी रात से बैठे हैं, परेशान थे, बूढ़े लोग भी बैठे थे। अब पुलिस वाले एकदम आते हैं और हमारे साथ बहुत बर्बरतापूर्वक है ना महिलाओं को भी उनके नाम ना घसीट घसीट के बाहर खींचा है, बूढ़े आदमियों को भी घसीट घसीट के है ना इनकी आत्मा मरी पड़ी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, समाज से, प्रशासन से, सरकार से, इतना घटिया सिस्टम आज के दिन में देश आज़ाद होने के इतने साल बाद, और ये देश तमाशा देख रहा है, सरकारें तमाशे देख रही हैं, नेता तमाशे देख रहे हैं। एक दादरी के नियत बच्चे पर गोलियां मार दी, पुलिस ने पैसे हट लिए और अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और जो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके साथ इतनी बदतर मतलब जाति, मतलब कोई कसाई भी इतना ना मतलब नियत था आदमी पर इतना जुल्म नहीं करता जितना आप लोगों ने किया है। तो हमारी लड़ाई जारी है, हम इन्होंने अंदर से बाहर फेंक दिए, हम बाहर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे दादरी समाज के, आत्मा से कह रहे हैं, परमात्मा को साक्षी मान के कह रहे हैं, ईंट से ईंट बचाएंगे, मतलब मरते दम तक है ना न्याय की मांग करेंगे। जब तक ये लोग अंदर नहीं हो जाएंगे, 10 लाख की रिकवरी नहीं हो जाएगी, जितने भी लोग इस सिस्टम में शामिल सब अंदर नहीं हो जाएंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्यों साथियों, बहुत गंदा प्रदर्शन करा पुलिस ने, बहुत घटिया काम करा, बहुत घटिया काम करा, ऐसा घिनौना घटिया काम कई सालों बाद देखने को मिला। ठीक है, इन्होंने गोलियां चला दी, पैसे ऐंठ लिए, ठीक है ना, जांच के नाम पे हमारे को परेशान कर रहे थे, लेकिन आज जो सुबह सुबह घटिया काम करा हमारे साथ है। अरे हम दादरी के उन लोगों की मांग कर रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है जिनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, नियत के लोगों पर गोलियां चलाई हैं, हमारा क्या कसूर है कोई तो बताए।